और बीजेपी ने अमेठी में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि हार की बौखलाहट में कांग्रेस अमेठी में शराब बांट रही है। तो अमेठी में शराब बांटने का आरोप जीवीएल लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेठी से भागने वाले अब बयानबाजी कर रहे हैं। अमेठी से बड़े मात्रा में पैसा का दुरुपयोग करना, दारू का इस्तेमाल करना, बांटने का प्रयास करना और रायबरेली अमेठी में कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, तो एक बौखलाहट, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। बट लेकिन पहली बार जो अमेठी रायबरेली को ये अपने किला मान रहे थे, वो आखिरी किला भी टूटने का समय आ गया है। इसी बौखलाहट के कारण जो प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, उस प्रेस वार्ता से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल पूरी तरह खत्म हो चुका है।